जी अभी हो चुकी है तैयार और क्रियांश जो है अभी सो रहा है। तो क्रियांश को हम लोग लेकर के नहीं जा रहे हैं क्योंकि ठंड का मौसम बहुत है और नहीं चाहते हैं कि उसको जो इस मौसम में बाहर ले जाए, तो वो अपने दादा दादी के पास रहेगा। वैसे एक ही दिन की बात है, आज ही हम लोग पटना जा रहे हैं और आज ही हम लोगों का रिटर्निंग भी हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए हैं और स्टेशन पर पहुंचने की भी जो है कुछ जो है इंटरेस्टिंग कहानी है, अभी आपको चलते चलते बताते हैं। हम लोग आए थे जी बाइक से, सोचे कि यहाँ का जो पार्किंग है वहाँ पर पार्किंग लगा देंगे और वहाँ पर पार्किंग लगा के हम लोग आराम से ट्रेन में चढ़ जाएंगे और जब लौटेंगे तो उसी गाड़ी से जो है अपना घर लौट जाएंगे। लेकिन जब यहाँ आए तो देखते भाई साहब यहाँ पर पार्किंग है ही नहीं, कोई पार्किंग वाला नहीं यहाँ पर, बहुत खोजे हाँ तो बहुत ढूंढे तो कोई नहीं मिला। तो अंत में हम क्या किए, एक तो ई रिक्शा को ठीक किए, अपना बाइक वहाँ लगाए और उसके बाद जो है ई रिक्शा हमारे साथ जो गई थी उसके साथ आए वापस, हम उसी से वापस आए और फिलहाल जो है छह नंबर प्लेटफॉर्म पर जो है ट्रेन लगी हुई है। अच्छी बात है कि हमारे पास थोड़ा समय था, हाथ में वरना ट्रेन छूट जाती है हमारी, पक्का था। यही लगी हुई है साइड लेफ्ट साइड। तो हम लोग जो है ट्रेन में बैठ गए हैं और अच्छी बात है कि हमारा ट्रेन जो है छूटा नहीं, जो हमने सोच रखा था उसी ट्रेन से जा रहे हैं। अच्छी बात क्या है ना कि हमारी घर स्टेशन से बगल में, तो यही हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं, वरना आज कांड होना था। वैसे हम सोच रहे थे बैकअप प्लान रास्ता में कि अगर आज ट्रेन छूट जाएगी फिर क्या क्या करेंगे। तो एक रास्ता था बस का पूर्णिया से और दूसरा रास्ता था अपनी गाड़ी का, कुछ नहीं होता तो अपनी गाड़ी तो था ही ऑप्शन, एक चीज चले जाते हैं हम लोग हमेशा ऑप्शन लेके चलते हैं। 6.5 hours later. हम लोग स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं, ऑटो में बैठ चुके हैं और यहाँ से अब चल रहे हैं और हमें जाना है यहाँ से बेली रोड, और बेली रोड में भी है BSCB कॉलोनी, तो वहीं पर चलते हैं। कुछ मिठाई भी नहीं लिया है, यहाँ आसपास तो कसा सा मिठाई दिख नहीं रहा था, तो रास्ते में भी दिख लिया ले लेंगे, पहली बार उनके घर जा रहे हैं तो मिठाई लेके जाना तो बनता है। तो अभी बीच रास्ते में रुक गए थे जी, यहाँ पर हमें दिख गया हनुमान मंदिर और यहाँ पर जो है पूजा पाठ कर लिया और साथ में जो है प्रसाद भी ले लिया, तो प्रसाद लेकर के चलते हैं वहाँ पर। चलिए भैया। A few moments later. क्या बोले बाबू, इनके ब्लॉग में बहुत के व्यूज जाता है, मेरे व्यूज उतना नहीं जाता है लेकिन सब्सक्राइबर बहुत बढ़ रहा है। तुम्हारे में भी व्यू आएगा, हमें क्या आ रहा है, तुमने मैं पहले बहुत के आता था लेकिन अब नहीं आता। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं हमने फेस धो लिया क्योंकि मुझे थोड़ा मेकअप करना है, और इधर देख सकते हैं हमारी बहुत प्यारी प्यारी बहनें। तो आज हमारा जो मेकअप होगा वो हमारी मेकअप आर्टिस्ट रहेगी, जिनकी आईडी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, आप लोग जरूर देखिएगा। जो भी पटना से है जिनको भी मेकअप चाहिए होगा आप इनसे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, वैसे जो भी मेरा मेकअप होगा आप तो देखेंगे ही। वैसे मुझे बहुत लाइट मेकअप चाहिए, आपको जैसे चाहिए वैसा मिलेगा। हाँ तो मैं इनकी आईडी मेंशन कर दूंगी, आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा मेकअप रहता है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, जैसा भी मेकअप चाहिए आपको सारे मेकअप मिल जाएंगे वहाँ पे। बहुत सारा पिक भी अपलोड किया है ना इंस्टा आईडी पे सब, हाँ तो इंस्टा आईडी भी शेयर कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं दोनों मिलके क्रिकेट देखते हैं, ये भूल गए क्रिकेट के चक्कर में, और इतनी सारी सारी साली मिल गई तो कहाँ से मिठाई गई यार, वही बात है। सही बात है। और पता है और हम लोग जो है थोड़ा ढूंढ रहे थे कि कोई ढंग का दुकान मिल जाए, लेकिन रास्ते में मिला नहीं, तो एक मंदिर मिला हम लोगों को, तो कोई दुकान ही नहीं मिल रहा था, चढ़ा करके आ गए, मिल गया सुबह सुबह। और सबसे प्यारी हमारी ये जो छोटी सी गुड़िया है हमको बहुत प्यारी लगती है, हम सोचते थे कभी मिलेंगे तो आज फाइनली मिल गई। तो सभी लोग तैयार हो चुके हैं जी, जिया भी तैयार हो चुकी है, जिया एक बार अपना लुक दिखा देना, तो ये देख सकते हैं जिया अपना एक लाइट मेकअप करवाइए, दोनों से अपना मैचिंग मैचिंग ड्रेस पहने हुए, बाकी साली साहिब और सभी पीछे से सभी लोग आ रहे हैं और हम लोग जो है अपना वहाँ पर चले जाएंगे जहाँ हम लोग को जाना है। तो सभी लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और झटपट सभी लोग तैयार हुए हैं और आखिरी मोमेंट में चल रहे हैं सभी लोग साथ, 5 मिनट में। हाँ हाँ तो अब चलते हैं जी, यहाँ से हम लोग का जो लोकेशन है मुश्किल से 20 से 23 मिनट का है, तो हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पर। ज्वेलरी की जी हो गई शॉपिंग और उसके बाद अब चल रहे हैं बाहर और यहाँ पर कुछ अपनी खरीदारी करेंगे, कुछ मार्केट में थोड़ा बहुत घूमेंगे, आए हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं ये पटना का मार्केट, और इसके बाद चलते हैं रूम पर, वहाँ पर खाना पीना खाएंगे, सभी से मिलेंगे, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बिल्कुल अपना जैसा फीलिंग लग रहा है यहाँ पर, काफी मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, देख रहे हैं हर समय कोई ना कोई जो है आ रही है और पूछ रही है कि जीजा जी बोर तो नहीं हो रहे, ओके नहीं नहीं कोई बोर नहीं हो रहे, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। सीधा चलते हैं, कुछ थोड़ा पेट पूजा भी कर लेते हैं, कुछ ले भी लेते हैं उन सभी के लिए। यहाँ पर जो है कुछ सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं हमारे, तो जिया इन सब के साथ बातचीत कर रही है। चलिए
अभी हम लोग आ गए हैं जी मोबाइल के एक कवर की दुकान में। तो जी आपने लिए कवर देख लीजिए, उसे एक ये पसंद आया है, बाकी और भी देख रहे हैं। जो मोबाइल ले लेके पटक देता है, सेफ्टी के लिए कुछ अच्छा कर तो सेफ्टी के हिसाब से देख रही है यार। लगा के देख लो कौन सा अच्छा लग रहा है। ये भी बहुत काफी अच्छा है, ये लगा के देखिए ना, बीक के सबसे बेटर कवर है मैडम। देखिए बढ़िया लग रहा है, ये दिखा दीजिए। देखिए ये भी अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा लुक लोगों कटिंग है ना, हमको सबसे चाहिए ये वाला। चलिए ये वाला कितना, हेलो ये 450 का ये वाला। तो हम लोग बैठ गए ऑटो रिक्शा में और यहाँ से चल, अच्छा जी अपना कवर दिखा रही है। तो जी आपको ये कवर अच्छा लगा तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं रूम पर। तो कितना अच्छा लग रहा है वहाँ पर, लग रहा है बिल्कुल अपना फैमिली जैसा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग पहुंच गए रूम पर और इंतजार कर रहे हैं गेट के खुलने का। बेल था नहीं बजाया, कोई बात नहीं, डायरेक्ट रिंग ही कर दी। क्या हाल है बालक, ठीक है? तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और इधर देख सकते हैं दिव्या क्या बना रही है, क्या बना रही है। ये तो एकदम अपनी जीजू का फेवरेट चीज बना रही है, देख सकते हो वो भी इतना सारा। जीजू अच्छे से मोटे होके जाएंगे। हमारी तो पेट पूजा हो गई जी और बहुत ही टेस्टी पाव भाजी हमको खिलाया गया है। पाव भाजी खाने में इतना पेट भर गया था कि अब जो है जगह नहीं बचा है। क्या बन रहा है? ये बन रहा है गाजर का हलवा। ओ भाई साहब, मटर मशरूम की सब्जी। कितना खाएंगे बताइए, इतना ही तो पेट है। वैसे ही पेट थोड़ा बढ़ते जा रहा है, और कितना बढ़ेगा पेट आपको पता चला, पटना से जाते जाते आपको फुल पेट टाइट रहेगा। तो ये गाजर का हलवा जो है पहले थोड़ा सा चखा दीजिएगा, खाना बिल्कुल हल्का सा एकदम, क्योंकि बहुत पेट भर गया, पाव भाजी भर पेट खिला दिया। आराम से जाने में ना एक घंटा बताइए कितना बचाएंगे आप, जितना कुछ बचोगे सब खा लेना है। ओ भाई साहब, तो गाजर का हलवा लगता है लगभग तैयार ही है, और इधर बन रहा है सब्जी और वहाँ आ चुका है मशरूम। तो बनाइए आप लोग, इधर हम पैकिंग करते हैं तब तक। और हमारा टिकट भी अपग्रेड हो गया है, सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास में हो गया, खुद ना खुद। हाँ कंफर्म, सब जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या बटर मशरूम बन रहा है यहाँ पर। रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि अभी हमारा थोड़ा सा पेट भरा हुआ है, क्योंकि पाव भाजी खाई हुई थी कुछ दिन पहले। ये साली साहिबा कह रही है कि नहीं बिना खिलाए जो है जाने नहीं देंगे। ये बात है, अब आए ससुराल तो कैसे आप खाली पेट जाइएगा। बस वैसे ही हमारा पेट निकला हुआ है और थोड़ा सा निकल रहा है, तो उसमें कोई असर नहीं करेगा। अच्छा, और एक चीज क्या बात, अभी क्या बोल रहे थे कि ये खा लेंगे और जो है गाजर का हलवा बनाया है वो पैक कर देना, लेकिन छोड़ेंगे। बनाया है और इतना खूबसूरत उसका सुगंध आ रहा था, तो खाने में भी बड़ा मस्त होगा, लेके तो जाना ही है, मतलब छोड़ेंगे नहीं, पेट भरा है लेके जाएंगे, है ना। रात में है हम लोग का हो जाएगा, डिनर हो जाएगा। क्या बात है सर, इनके कहने का मतलब है ये कि इतने प्यार से बनाई है तो खाना सब कुछ है, अब जैसे भी खाए हम बिल्कुल खा लेंगे।